81 पदों पर बंपर लिख दिया। कोर्ट का सटे हटते ही 10,233 पदों का परिणाम जारी, कल से लिख दिया। पहले ज्वाइनिंग 2 महीने के भीतर जांच कराएं दस्तावेज। पहले ज्वाइनिंग मिलेगी दोस्तों, 2 महीने के अंदर दस्तावेज जांच होगी, यानी कल से यानी 7 फरवरी से ही नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएंगी। इन श्रेणियों का आया है परिणाम। स्टाफ नर्स, सहायक लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन, फायर कम ड्राइवर, जूनियर कोच, फायर स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, ये लिस्ट है दोस्तों जिनका परिणाम आया है। जल्द नियुक्ति देने के 3 कारण। चुनावी साल देखते हुए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द नियुक्तियां दे दी जाएं, खाली पद भर दिए जाएं। कोर्ट की रोक के कारण लंबे समय से भर्तियां अटकी पड़ी थी, दोबारा इसी स्थिति से बचने के लिए नियुक्तियां हो रही हैं। दस्तावेजों की जांच और चरित्र प्रमाण सत्यापन में काफ़ी समय लगता था, अभ्यर्थी इंतजार करते रहते थे। फायरमैन ड्राइवर पद पर चयनित न होने वाले अभ्यर्थी ने घेरा आयोग दफ्तर। पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित HSSC के कार्यालय धार धरने पर बैठे फायरमैन ड्राइवर पद के अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के बाद चयनित नहीं होने पर फायरमैन और ड्राइवर श्रेणी के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पंचकुला सेक्टर 2 स्थित आयोग के कार्यालय का घेराव किया है। देर रात तक उनका धरना जारी रहा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस भी बुलानी पड़ी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। जींद के कुलदीप और भिवानी के पवन कुमार ने बताया है कि फायरमैन के कुल 2063 पद थे, लेकिन आयोग ने केवल 851 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए, लेकिन हमने तमाम दस्तावेज अपलोड किए थे, यह आयोग की कमी है। विरोध के बाद फैसला, नियुक्ति दस्तावेज जाँच के बाद ही होगी। विरोध को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया है कि फायरमैन एंड ड्राइवर श्रेणी की नियुक्ति अभी नहीं कराई जाएगी। नियुक्ति से पहले फायर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाएगी। फर्जी संस्थाओं से सर्टिफिकेट व लाइसेंस देने वालों को बाहर किया जाएगा। इसके लिए आयोग CID की पूरी जाँच सौंपेगा, CID को पूरी जाँच सौंपेगा। आयोग का कहना है कि जो अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं उनके दस्तावेज वैध हैं या नहीं, इसलिए परिणाम जारी नहीं किया गया है। वैध नहीं है इनके परिणाम, इनके दस्तावेज वैध नहीं है, इसलिए इनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। इनकी जांच होगी। तीस जून तक दस्तावेज जांच का समय दिया गया है, 2 महीने का समय दिया गया है। 30 जून तक इनके दस्तावेज सत्यापन होगा, लेकिन ज्वाइनिंग पहले ही मिल जाएगी।